नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण कुमार घोष आपका अपने पेज पर स्वागत करता हूं। हम पहले बात करेंगे दोस्तों, जो कल दो मैच हुए ना दोस्तों, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। तो पहले बात कर लेते हैं श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच की। जो श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका में दोस्तों, श्रीलंका ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, जैसा कि अभी भी चल रहा है प्रचलन कि जो भी जीत रहा है टॉस वो बॉलिंग का ही फैसला कर रहा है। तो श्रीलंका ने भी सोचा, जो हमारे बॉलर्स हैं, स्पिनर्स की बात करें, चाहे उनके जो पेसर्स वगैरह इतने ख़राब नहीं है, बट जो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैटिंग करी ना दोस्तों साउथ अफ्रीका ने, चाहे क्विंटन डी कॉक की बात करें, चाहे एडियन मार्कन की बात करें, चाहे रेसी वेंडर डुसेन की बात करें, इन तीनों ने कल दोस्तों शतक मारे और ये चौथी टीम बनी दोस्तों जिसने अभी तक मतलब ऐसे 3 शतक लगे हैं मतलब उनकी पहले इनिंग में। तो जो इनिंग की जो एंडिंग करी दोस्तों, 428 रन बनाए दोस्तों इसमें, बहुत मतलब इन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया, चाहे क्विंटन डिकॉक की बात करें, चाहे इनो जो जिन्होंने शतक भी थे, और एडियन मार्कन की खासकर बात करें तो इन्होंने 54 बॉलों पे दोस्तों 106 रन बनाए, जो कि उन्होंने T20 जो इनिंग्स होते हैं T20 मैच में वैसी इनिंग्स खेली दोस्तों। और अगर बॉलर्स की बात करें तो कोई इतना ढंग का बॉलर था नहीं दोस्तों जिसके बारे में हम बात करें, और ये हाईएस्ट टोटल बना दिया है दोस्तों इन्होंने वर्ल्ड कप का अभी तक का, जो 428 पे 5 विकेट गिरे थे इनके। और जिसको चेज करने उतरी थी ना दोस्तों, चेज करने उतरी आपकी श्रीलंकन टीम, श्रीलंकन टीम को अभी मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, बट एक टाइम पे उनका 150-160 रन पे 5 विकेट गिर गया था, तो तब ऐसा लग रहा था कि मतलब ये लोग 250-300 के अंदर ऑल आउट हो जाएंगे। बट जो उनके जो कुछ प्लेयर्स की बात करें, चाहे वो धसुन सनका की बात करें, चाहे कुशल मेंडिस की बात करें, या श्रीलंका, इन तीनों ने मिलकर मतलब 326 रन तक अपने स्कोर को पहुंचाया दोस्तों, और 326 रन पे ऑल आउट हो गए। अगर इनके हाथ में विकेट कम पड़ गए, नहीं तो ये लोग खेल तो अच्छा ही रहे थे दोस्तों। और अगर बॉलर्स की बात करें तो इसमें आपके रबाडा हो गए, केशव महाराज हो गए, और कोटजिया नाम के बॉलर हैं, उन्होंने कोटजिया ने 3 विकेट ली दोस्तों, और आपके रबाडा और केशव महाराज ने 2-2 विकेट लिए। तो यही सारांश था दोस्तों, साउथ अफ्रीका आसानी से मैच जीत गई और वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट टोटल और प्लेयर ऑफ द मैच एडियन मार्कन को उनकी विस्फोटक पारी के लिए दिया गया, जो कि 54 बॉल्स पे 106 रन की उन्होंने पारी खेली। तो यही पहला सारांश था दोस्तों पहले मैच का। और जो मतलब ये दूसरा मैच था दोस्तों, और जो पहला मैच था ना दोस्तों बांग्लादेश और श्रीलंका का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच था ना दोस्तों, वो मोहाली के HPCA मतलब स्टेडियम में खेला गया, जिसमें आपके श्रीलंका मतलब ओ सॉरी बांग्लादेश ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, और बॉलिंग का फैसला बहुत बेहतरीन था दोस्तों। उन्होंने साउथ अफ्रीका मतलब अफगानिस्तान को 156 रन पे ऑल आउट कर दिया दोस्तों, जिसमें आपके अगर रहमतुल्ला गुरबाज की बात करें, उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर दिखा नहीं दोस्तों जिन्होंने कि दम दिखाया हो। 47 रन की पारी खेली, जो कि मतलब उनकी पारी भी इतनी खास नहीं थी क्योंकि वो बहुत स्लो खेल रहे थे, बट स्लो तो खेल रहे थे, अगर वो पूरे ओवर खेलते तो दोस्तों 250 रन बना पाते, बट उनके विकेट से हर विकेट गिरते गए दोस्तों, जिसमें मेहंदी हसन मिराज और साकिब उल हसन ने 3-3 विकेट लिए दोस्तों। और जब इसको चेस करने उतरी बांग्लादेश टीम, तो बांग्लादेश की शुरुआत भी इतनी अच्छी नहीं हुई थी दोस्तों, 27 रन पे इनके भी 2 विकेट हो गए थे। तो जिसमें आपके जो लिटन दास की बात करें, लिटन दास का खराब फॉर्म स्टार्ट जारी है दोस्तों अभी भी, मतलब अभी एशिया कप की बात करें, इससे पहले से इनका जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा है, बट लिटन दास अच्छे प्लेयर है दोस्तों, चाहे वो विकेट कीपिंग भी अच्छा करते हैं, और जो मतलब यही था दोस्तों मिला जुला के, और इसको आसानी से जीत लिया इन्होंने। और इसमें आपके जो मेन प्लेयर जो इस चेज में रहे, वो मेहंदी हसन मिराज जिन्होंने 57 रन बनाए, और नजमुल सांतो जिन्होंने 59 रन बनाए, और लास्ट में साकिब उल हसन ने भी 2-4 चौके वगैरह मार के, छक्का वगैरह मार के मैच आसानी से जीत लिया दोस्तों। तो उनकी 4 विकेट्स गए थे और आसानी से मैच जीत लिया। और प्लेयर ऑफ द मैच जो रहे दोस्तों आपके, इसमें आपके मेहंदी हसन मिराज जिन्होंने कि 3 विकेट स्टार्टिंग में ली, और उसके बाद उन्होंने आपके जो मतलब बैटिंग में भी 57 रन बनाए। तो यही सारांश था दोस्तों दोनों मैच का, कोई इतना बेहतरीन कर नहीं पाया, बट जो दूसरा मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस जो आपका श्रीलंका वाला मैच था, वो हाई स्कोरिंग मैच था और बेहतरीन मैच दिखाया दोस्तों, खेल का प्रदर्शन दिखाया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को हर कोई अंडरडॉग समझ रहा था, बट वो अंडरडॉग नहीं है दोस्तों, वो मैच जीतने आई है। चाहे आप न्यूजीलैंड की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, इनको कोई मतलब कंपटीशन समझ नहीं रहा, बट जो मतलब इनके बैट्समैन है ना, इन्होंने दिखाया कि हम लोग कंपटीशन में हैं अभी, और अभी देखते हैं टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे जाता है क्या होता है, और आगे वीडियो वगैरह बनाऊंगा जो भी रिजल्ट्स वगैरह रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन और जो भी है आपका दिन वगैरह अच्छा हो, और बात करेंगे वीडियो में आगे।